साथ ही इस लेक्चर सीरीज पे जो भी टॉपिक्स हमारे रिसोर्स पर्सन के द्वारा यहाँ पर मीन्स जो रिसोर्स पर्सन के लिए जो भी टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो स्टूडेंट्स के साथ जो इंट्रैक्शन हमारा हुआ डिस्कशन हुआ ऑनलाइन मोड में क्लासेस में उस डिस्कशन के माध्यम से ये टॉपिक स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं जिस पर आज हमने ये लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की है। और साथ ही स्टूडेंट्स ने हमें ये लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम हम सभी को अपने अपने फील्ड में ऑर्गेनाइज करने चाहिए क्योंकि हमें हम बच्चों के हित के लिए बच्चे आगे लर्निंग मोड में प्रॉपर बने रहें और उनको कुछ सीखने को मिले। हालांकि सीखने के बहुत से मोड्स हमारे पास हैं यहाँ पर ऑनलाइन में, लेकिन एक अपने अपने क्षेत्र में अपने शिक्षकों के माध्यम से जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें वो बहुत अच्छी तरह से अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। इस मीन्स लेक्चर सीरीज या सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य केवल यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने लेक्चर सीरीज अटेंड कर लिया। लेक्चर सीरीज या सेमिनार्स के डिफरेंट मुद्दों पर जो बात की जाती है उसको अटेंड करने का उद्देश्य यह होना चाहिए लर्नर्स की पार्ट में कि वो इसमें निरंतर अपडेट होते रहें और इस लर्निंग एस्पेक्ट को आगे भी कंटिन्यूटी में रखें और इस कंटिन्यूटी का जो मोड रहेगा जो लर्निंग प्रोसेस रहेगी उनकी वो निरंतर बनी रहनी चाहिए, न केवल इस तरह के कार्यक्रमों को अटेंड करके उनकी लर्निंग को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और ये कार्यक्रम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अपनी थिंकिंग डेवलप करें, कुछ नया निकाल कर लाएं, समाज को दें, अपनी सोसाइटी को दें, तभी इस तरह के हमारे कॉन्फ्रेंसेस का जो उद्देश्य होता है वो सक्सेसफुल होता है। और उसमें डिस्कशन करें, पार्टिसिपेशन करें, क्वेरीज है उसको डिस्कस करें। तो इस तरह से इस लेक्चर सीरीज का यही उद्देश्य था और जिसमें आपने टॉपिक देखे होंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए, इंटरेस्टिंग आई से ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स वी हैव इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर सीरीज। लाइक इट कवर्स द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, सारे एजुकेशन सिस्टम के या एजुकेशन मोड के जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं उन सबको ये लेक्चर सीरीज कवर करती है। और हम ये आशा और विश्वास करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम although it is only for 10 days, इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और भी स्कॉलर्स को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। ये हम अपने स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेंट के फीडबैक के द्वारा ये सब कंटिन्यूटी में प्रोग्राम रहेगा हमारा। और अब मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे पढ़ाते हुए ज़्यादा समय न देते हुए हमारे रिसोर्स पर्सन आज के हमारे बीच में है तो मैं हमारे डॉक्टर पी के पाठक यहाँ पर आज उपस्थित नहीं है, वो देहरादून जा रहे हैं। तो अब मैं अपने आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर बी आर पंजी जो प्रिंसिपल एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर आप हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे प्रतिभागियों का एक स्वागत करने के साथ ही आप अपने कुछ आशीर्वचन हम सभी को दें, ये मेरा आपसे आग्रह है। और ओवर टू यू सर। थैंक यू चंद्रा। नमस्कार मैडम, नमस्कार सभी लोगों को मेरे नमस्कार। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें आए हुए हैं मैं आज के इस कार्यक्रम के, क्योंकि चंद्रा ने जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है ये 10 डे सीरीज, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड के लिए बहुत ही एक प्रकार से रामबाण सिद्ध होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, और मुझे सबसे अच्छा इसमें ये लग रहा है कि हमारे बच्चे या दूसरों के बच्चे या दूसरे बीएड क्लास के या दूसरे एजुकेशन के बच्चे जो हैं वो आज तक अपने ही टीचर से या उनके एक प्रकार से मोनोलॉग को ही सुनते रहे, उन्होंने अपने आप जब जब वो पढ़ाया वही पढ़ाया और उसी को सुनते रहे। लेकिन इसके माध्यम से ये निश्चित है कि एक दूसरे बड़े बड़े विद्वानों के जो अपने अपने विषयों में अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने उसमें जो है कि वो विशेषज्ञ हैं उनके विचार उनकी उनकी जो थिंकिंग है उसको सुनने का लोगों को मौका मिलेगा। इसका मतलब बहुत दूरगामी प्रभाव और दूरगामी लाभ हमारे पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको होगा। मैं कह रहा हूँ कि सिंपल अगर हमारे बच्चे बीएड के 150 बच्चे अगर जुड़ते हैं तो वो हमेशा अपने ही जो 7 टीचर हैं उन्हीं का पढ़ाया रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं, ऐसे चाहे अल्मोड़ा वाले होंगे चाहे लाल बहादुर शास्त्री होगा या अन्य जो होंगे। और ये फायदा बीएड के छात्र एजुकेशन विषय को भी है, जो शिक्षा शास्त्र के लोग हैं उनमें भी लगभग एक ही प्रकार के आप लोगों के कोर्सेज होते हैं, आप लोगों के प्रैक्टिकल्स या आपके स्किल्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो ये सारे इन दो विषयों को विशेष रूप में ब्रॉडली ये कवर करते हैं।
तो इससे क्या होगा कि जो क्योंकि विषय के विशेषज्ञ हैं, दूसरे अपने अपने स्थानों में जो लोग हैं उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके थिंकिंग को, क्योंकि पढ़ाना हमेशा किताब में से पढ़ाना है या कोई कोई अच्छी सी स्टैंडर्ड से बुक से पढ़ाना पढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाते पढ़ाते निश्चित है कि आपके अपनी एक थिंकिंग, अपनी एक सोच, अपना एक विचार उस विषय में बन जाता है, उस टॉपिक में बन जाता है, उससे निश्चित है कि एक दूसरे क्षेत्र के लोगों को, एक दूसरे विश्वविद्यालय के लोगों को, कॉलेज के लोगों को जो है उनको सुनने का मौका मिलेगा और वो अपने ज्ञान में जो है कि ज्ञान वर्धन करेंगे, क्योंकि निश्चित है कि समय बहुत खराब, लगभग 2 साल से हम लोग जो है पूरे घर के अंदर बंद हो गए हैं, लोगों के जो अपनी थिंकिंग है वो कहीं डर और भय में कन्वर्ट हो रही है, हमको उससे भी बाहर आना है और उससे बाहर आने से निश्चित है कि नई नई तकनीकों के माध्यम से, नए नए लोगों के विचारों के माध्यम से, नए नए टॉपिक्स में जो 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 जिस टॉपिक के जो विशेषज्ञ हैं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित है कि जिन विषयों में लोग बोलेंगे, अपने लेक्चर देंगे, वो निश्चित है कि अपने क्षेत्र के जो है वो विशेषज्ञ होंगे, उन विशेषज्ञों को निश्चित है कि इसमें अवसर मिलेगा और उससे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, भागी हैं, उनको जो है कि उनको सुनने का मौका मिलेगा और वो अपने ज्ञान वर्धन करेंगे, और जो हम स्वयं में जो बोलने वाले लोग हैं या जो उनके भी आपस में इंटरेक्शन, उनके भी विचारों का जो होगा वो आदान प्रदान होगा और लोग निश्चित है कि अपने ज्ञान वर्धन करेंगे। मैं अपने ओर से, महाविद्यालय की ओर से, और निश्चित है कि अभी ऐसा महोदय जो है कि वो यात्रा पर है और वो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनकी ओर से भी आप सभी लोगों को, क्योंकि निश्चित है कि हमारे इस कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर भीमा मल्लाल को देख रहा हूँ, डॉक्टर हेमलता कालसराइस में है, और ये नागेंद्र गोगला जो आज के स्पीकर है, और मैं जो लिस्ट में देख रहा था वो बहुत सारे अच्छे विद्वान जो है कि चंद्रा ने सेलेक्ट किए हैं, जो जो अलग अलग टॉपिक पर जो है अपने विचारों को पूरे पार्टिसिपेंट्स के सामने रखेंगे और पार्टिसिपेंट निश्चित है कि उसका लाभ उठाते हुए जो है अपने जीवन में, अपने समय में, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो है वो काम करेंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हम जो सीख रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, वो जब तक हम उसको अपने समाज को अगर ट्रांसफर नहीं करते हैं, सोसाइटी को यदि हम उसको नहीं देते हैं, तो हमारा प्रभाव वो किसी काम का नहीं है। तो हमने निश्चित है जो चीज़ें सीखनी है तो हम सीखेंगे, बच्चों को भी जो सीखेंगे उसको निश्चित है कि समाज के हित के लिए, हमारी पढ़ाई है, हमारा सिद्धांत या हमारा जो भी योगदान है वो समाज के लिए होना चाहिए, क्षेत्र के लिए होना चाहिए, और क्षेत्र समाज से ही जो है वो राज्य, राष्ट्र और विश्व जो है वो इकाई के रूप में बनते हैं। तो मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि विशेषज्ञ लोगों का समय ज्यादा कम न करते हुए, मैं पुनः आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे विशेषज्ञ विद्वान जुड़े हुए हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपने व्यस्तम समय में निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी और शामिल होते रहेंगे। और समस्त प्रतिभागियों को भी कहूंगा कि भाई देखिए, जो चीज आपको सुनने में मिलेगी, जो चीज आपको यहाँ पढ़ने में मिलेगा, जो चीज आप इसे लर्न करेंगे, उसको निश्चित है कि अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में जो है उसको लागू लगाएं, उसको क्षेत्र में, क्षेत्र के विकास में उसको जोड़े, और निश्चित है कि सारे प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम का जो है वो लाभ मिलेगा। तो मैं अधिक न कहते हुए पुनः सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों को बधाई देते हुए, और महाविद्यालय की ओर से सबका स्वागत करते हुए, और महाविद्यालय की ओर से मेरा लगभग ये प्रयास रहा है, जब भी मैं यहाँ पर हूँ, कि कोई भी कार्यक्रम जो भी हमारे छात्रों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रतिभागियों के लिए, जो भी कार्यक्रम, जो भी विभाग अपना प्रारंभ करता है, उसमें मेरा जो है, हमारी ओर से या कॉलेज की ओर से जो है, वो 100% योगदान जो है हमेशा बना रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बाकी तो दिक्कतें आती रहती है, वो सब आएंगे जाएंगे, सब निकल जाएंगे, लेकिन ये हमें कार्यक्रम अपने अध्ययन और अध्यापन को हमने बीच में रोकना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना है, जिससे कि नई नई तकनीकें, नई नई विधियाँ, नए नए विचार, नए नए सिद्धांत लोगों के सामने आए, प्रतिभागियों के सामने आए, हम आपस में एक्सचेंज करें। इसी बात को लेते हुए मैं पुनः सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ये 10 दिन की सीरीज जो है वो बिल्कुल निर्घात रूप से जो है कि निर्वाध रूप से जारी रहे और इसमें नई नई चीजें आ जाए। और मैं उम्मीद रखूंगा बीएड विभाग से, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस हो या हमारा गवर्नमेंट का है, तो उनसे विश्वास करूंगा कि आगे भी भविष्य में इस प्रकार की सीरीज का जो है वो आयोजन करते रहे, नए 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 टॉपिक्स में, नए नए विषयों में, वो सिलेबस के अंदर हो जाए, क्योंकि हम पढ़ा नहीं पा रहे वैसे, तो ऐसे भी रहे उसको लेकर के जो है वो बच्चों के लिए जो है ज्ञानवर्धन का काम करें। उन्हों अपनी ओर से, महाविद्यालय की ओर से, और उच्च शिक्षा के निदेशक महोदय की ओर से भी सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। थैंक यू।
धन्यवाद सर, आपके इन मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए आपका धन्यवाद, और आप निरंतर हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे इन प्रोग्रामों में अपनी सहभागिता अपना पार्टिसिपेशन लेते हैं और हमें सभी को मोटिवेट करते हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन मोड में ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ करा पा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज संभव हमारे लिए ऑनलाइन मोड में अधिक हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास हम सभी की ओर से किया गया है, डिपार्टमेंट की ओर से सभी का म्यूचुअल इसमें सहयोग रहा है। और साथ में अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी, वो भी इसमें जुड़ी है, जिसमें कि हमारे रोहित डॉक्टर रोहित कांडपाल जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, वो नवल किशोर लोनी हमें बराबर हमें टेक्निकल आस्पेक्ट में सहयोग करते रहते हैं, और साथ ही गिरिजा रखेला जो सेल्फ फाइनेंस की फैकल्टी है, और प्रियंका साहू फुलारा, अर्जुन जगीरा और सुमन रानी, इन सभी का सहयोग, अमित का भी इस तरह सहयोग रहता है। तो इसी के साथ मैं अब आज के अकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर भीमा मंजाल मैडम जो कि साथ ही जो एसएससी कैंपस में एसएससी यूनिवर्सिटी में इस समय है, उनका निरंतर मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है और एक लंबा शैक्षणिक अनुभव उनका अपने फील्ड का रहा है। अब आज हम एज एकेडमिक डायरेक्टर उनको इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करते हैं, प्रोफेसर भीमा मंडाल मैडम, वो हमारे सभी प्रतिभागियों को और हमारे फैकल्टी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित हम करते हैं। जी अच्छा लगा आपसे मुलाकात हो गई, तो थैंक यू मैम। मैं साथ में अपने दो शब्दों को आपके सामने कहती हूँ। सर्वप्रथम एनडीटीजी गवर्नमेंट कॉलेज के बीएड विभाग के एवं एनडीटीजी के स्वामित्व घोषित बीएड विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो ये आयोजित किया जा रहा है, आज दिनांक 31/8/2001 से प्रारंभ होकर 9/7/2021 तक ये चलने वाला जो ये 10 दिवसीय आपका व्याख्यान माला में है, इसमें उपस्थित आज की मुख्य संरक्षक माननीय डॉक्टर पी के पाठक जी, यद्यपि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं जो निदेशक शिक्षा उत्तराखंड संरक्षक माननीय प्रोफेसर श्री आर पाठी प्राचार्य एमबीपीजी गवर्नमेंट कॉलेज हल्द्वानी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिता जोशी, कन्वीनर डॉक्टर चंद्रमती जोशी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सविता भंडारी, हमारी रिस्पेक्टेड सीनियर मैम हेमंता मैम जी, तथा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के सभी सम्मानित सदस्य, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य, तथा इन 10 दिवसों में चलने वाले जो व्याख्यान माला है और उसके तहत जितने भी विद्वजन अपनी इस व्याख्यान को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सभी सम्मानित विद्वजनों की, क्योंकि आज की क्या है कि अपने अपने सब्जेक्ट में अपने अपने विषय पर आपका अपना ज्ञान है और आपका अद्वितीय अनुभव है जो कि आज आप हम लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं, और मुझे आशा है कि इन 10 दिवसों में आप इसको निरंतर जितने भी विद्वजन हैं वो उपस्थित होंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जो बीएड विभाग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके समक्ष इसमें रखेंगे, और मेरी प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप सभी के प्रति अपना सम्मान और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं इस व्याख्यान माला के कोऑर्डिनेटर कन्वीनर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कोरोना काल में फेस टू फेस लर्निंग की कमी को देखते हुए निरंतर ऐसे प्रयास जारी किए हुए हैं, जिससे कि हमारे छात्र छात्राओं के को विभिन्न शीर्षकों पर अपने विषय क्षेत्र में विशेष पैक बनाने वाले जो विद्वान यहाँ पर उपस्थित होंगे,
उनके विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। और विद्यार्थियों का जो विशेष संबंधित उन्होंने आपसी विचार विमर्श द्वारा बहुत सारे इसमें जो टॉपिक है वो सिलेक्ट किया है। और मैंने भी देखा कि बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं और जो उन टॉपिक्स पर अपना लेक्चर दे रहे हैं, अपना व्याख्यान दे रहे हैं, अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं बच्चों के मध्य, उससे क्या है बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और बच्चों को कहीं ना कहीं इन चरणों का जो लंबी यात्रा इन्होंने अपने अनुभव के दौरान तय किया है उसका फायदा मिलेगा, ऐसी मेरी मैं अपेक्षा रखती हूँ। और मतलब इसी सीरीज के उससे बच्चों को एक फायदा होगा इस ऑनलाइन। इन्हीं के साथ मैं बनकर डॉक्टर चंद्रावती जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच में आने का मौका दिया और मौका देकर के एक दो शब्द में आप बच्चे मेरी बातों को सुन लें, ऐसा मौका आपने दिया, मैं आपके लिए स्पेशली थैंकफुल हूँ। जैसे कि हम जानते हैं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और स्पेशली क्योंकि बीएड के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो मेरा फोकस केवल बीएड के छात्र छात्र छात्राओं से है। एक बात मैम, इसमें डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, अगर इसमें ना करें, अगर अपने आप को म्यूट कर लें तो ज्यादा मुझे फायदा होगा, आवाज काफी डिस्टर्ब करता है। मैंने चेक कर लिया यहाँ से तो सब म्यूट है। हाँ मतलब काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब नहीं आवाज आ रही है। जी कोई बात नहीं, चले चले। ये जो भाई अब माइक्रो को बंद कर देना और म्यूट कर देना, बाकी लोग अपने को म्यूट कर ले तो ज्यादा। आप तो दो सेशन में लग रहा है, लोग दो सेशन करा देते हैं, इसमें उसे भी दिक्कत होती है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं बीएड के संदर्भ में बात करना चाह रही थी कि हमारा जो बीएड का जो प्रशिक्षण है वो मेनली इसमें क्या है, दो टाइप का होता है, एक तो थ्योरेटिकल है और दूसरा प्रैक्टिकल है। तो ये जैसे अन्य पाठ्यक्रमों से बिल्कुल हटकर के है और हम इसमें कोशिश करते हैं कि इसमें जो सैद्धांतिक चीजें हैं उनके अपेक्षा व्यवहारिकता को हम अधिक फोकस करते हैं और व्यवहारिकता को अधिक फोकस करने की आवश्यकता भी है क्योंकि हमारे उनके उसमें हमको कहीं ना कहीं से ऐसे स्किल डेवलप करने हैं ताकि वो आने वाले समय पर जहाँ पर भी उनका प्लेसमेंट होता है एक स्किल टीचर के रूप में एक ऑलराउंड डेवलप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। अब ऑनलाइन है, इस समय हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के समय से ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हम ये देख रहे हैं कि वो व्यवहारिकता वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम बच्चों को थोड़ा कम ही दे पा रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं आपको उसमें पूर्ण समर्थन नहीं पा रहे हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग है, सिमुलेशन जो हमारी मीटिंग है, प्रैक्टिस टीचिंग है, सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट टीचर्स है या यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूजेस, तो इन चीजों में हम क्या कर पा रहे हैं, इतना हम बच्चों को नहीं दे पा रहे जितना वालों को देना चाहिए था। तो यहाँ पर फिर भी अगर हम देखें कि अभी जब से हमारा सेमेस्टर सिस्टम चला है तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या हो गया है कि 16 वीक्स का हमारे पास एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आ चुका है। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम करके बेसिकली उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि भाई हम बच्चों को परफेक्ट बनाए, ये कहें कि गॉड ने उनको जो चीजें जीवन में गिफ्ट की है या बाय नेचर उनके अंदर जो कुछ आया है उसको तरासे और उनको परफेक्ट फ्यूचर के रूप में समाज को प्रोवाइड करें। तो इंटर्नशिप में हम देखते हैं तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम थे कि जहाँ बच्चा दूसरे विद्यालय में जाता था और विद्यालय में एंटर करने के बाद सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी एक्टिविटी होती थी बच्चा उनको देखता था, सुनता था और करता था, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करता था। लेकिन इससे पहले हम माइक्रोटीचिंग के द्वारा या प्रैक्टिस टीचिंग के द्वारा उन सारी चीजों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे और जो कुछ भी हमको कमियां लगती थी हम लोग उसको बराबर
क्या करते थे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, तराशने की कोशिश करते थे, ताकि बच्चों के अंदर जो स्किल्स है उनका डेवलपमेंट पूरा हो सके। अब हम इंटर्नशिप में अगर आप देखते हैं कि अगर जहाँ से बच्चे एंटर कर रहा है कि जैसे प्रेयर होती है और मॉरल एजुकेशन जाती है या तब से अब में जो टीचिंग का कार्य है या अटेंडेंस लेना है या हम कहते हैं फ्री स्ट्रक्चर का कार्य करना है या वो करिकुलर एक्टिविटीज है या हम ये कह सकते हैं कि जो आजकल यूटीबी का काम वहाँ पर चल रहा है, एग्जामिनेशन का है, रिजल्ट बनाना है और मतलब डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी बच्चों को वहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली दिया जाता था। और उसके अलावा जैसे विभिन्न प्रकार के विद्यालय हाउसेस बनाए रखने और इसके द्वारा सभी किस्म की एक्टिविटी करवाई जा रही थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जैसे को करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो गया, स्काउट और गाइड का प्रोग्राम हो गया, या NSS का प्रोग्राम है, या NCC का प्रोग्राम है, उसके बारे में उनको धीरे धीरे समाज से भी वाकिफ करा रहे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा भारत का प्रयास बहुत ज्यादा है, प्रयास बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में ये सारी चीजें हम नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा जो वहां पर से निकल गया, जिन्होंने हम मान रहे हैं कि अगर इंटर्नशिप या वो बच्चा जाएगा तो हमारी जो एजुकेशन के जो बेसिक थीम्स है वो कम्प्लीट होंगे। अब बेसिक स्टेज जैसे बच्चों का प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में जो है कॉन्फिडेंस का लेवल भी अप होगा, जिससे क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने में सक्षम होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो इंटर्नशिप करने के बाद बाहर निकलता है तो वो बच्चे को अगर कहीं प्लेसमेंट मिलता है तो वो बच्चा बिना किसी संकोच के उन सारी एक्टिविटी को अपने साथ मतलब अपने आप में वहाँ पर फॉलो कर सकता है। तो ये कार्य थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ऑनलाइन मोड में ये काम हमारा थोड़ा सा कम हो पा रहा है, लेकिन मैडम लोगों की करती हूँ आपने, क्योंकि हम ऑनलाइन मोड से किसी को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपने ये जो प्रयास किया है, आपने इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसका जो सब्जेक्ट मैटर है सब्जेक्ट मैटर में अलग अलग जो आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर रखे हैं और अलग अलग आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन के द्वारा भी इन सारे चीजों को पूरा करने का जो आपका ये अविरल प्रयास है ये वास्तव में तारीफ के काबिल है। अब हम जैसे ऑनलाइन टीचिंग के उसमें देखते हैं कि अभी हम लोग जैसे माइक्रोटीचिंग भर्ती करा रहे हैं पर, लेकिन वो चीज नहीं आ पा रही है, क्योंकि माइक्रोटीचिंग हम जब कराते थे तो हमको लगता था ना कि एक सामान्य सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जैसे क्वेश्चन आंसर तो स्किल होता है, तो क्वेश्चन आंसर स्किल क्या हो इस समय क्या हो रहा है कि बच्चे अलग अलग रूप से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यही चीज हमारे प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान छोटे बच्चों के साथ होता तो शायद बच्चे बच्चों की जो मेंटल लेवल है उसको चेक करके क्वेश्चन आंसर जो उनका स्किल होता था उसको डेवलप कर सकते थे, बच्चों के अनुसार वो क्या कर सकते थे कि उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, उनसे आंसर रिसीव कर सकते थे, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को वो देख सकते थे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, वो अपने ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ है और ये ओरिजिनल जो चीजें हैं वो ओरिजिनल नहीं आ पा रही है। तो खैर कोई बात नहीं, ये बहुत सारा जो आपका ये प्रयास है मैं इस प्रयास के आपका तारीफ आपका करती हूँ और कोशिश मेरा यही अपेक्षा है कि शायद आपका जो प्रयास है वो इन जो कमियों को मैं बता पाया हूँ ये भी कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद मैं आगे ये भी कहना चाहूँ क्योंकि जैसे हमारा ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग के आधार पर जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं वो भी ना कहीं अपने आप को धीरे धीरे समय के अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश के अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको भी ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा जितना भी प्रयास है वो प्रयास भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ जा रहा है,
जो बेसिक हमारे जो उद्देश्य होते थे वो उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो शायद जैसे हमारा बच्चों के साथ फेस टू फेस लर्निंग की प्रोसेस नहीं हो पा रही है, हम बच्चों को नहीं जान पा रहे हैं अंदर तक, या हम ये कह सकते हैं जो बच्चों के हिसाब से हम बहुत डिफरेंट टाइप के हमारी टीचिंग लर्निंग जो मेथड्स होते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो कक्षा कक्ष में एक अनुशासित जीवन के लिए हम बच्चों के अंदर बच्चों को मोटिवेट कर सके थे उसके लिए हम उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन इन पर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो विद्वजन जो ये व्याख्यान माला में शामिल है वो इस पर भी प्रकाश डालेंगे और बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा काम कर रहे हैं, जो भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका मूल्यांकन भी प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहे हैं या वास्तविक रूप में नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे लिए बहुत सारा कठिन ये कार्य हो जा रहा है कि हम उसका वास्तविक मूल्यांकन कैसे करें कि आखिर जो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है, या हमारे जो बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं उन प्रशिक्षणार्थियों के अंदर कितने स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि पहले से हम इसको देखते थे और स्किल्स में कई बार हमको लगता था, एक क्रिटिसिज्म हम उनको देते थे, अगले दिन उनको फॉलो करने की बातें होती थी, बच्चा उसको फॉलो करता था, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है कि जो हम अगर प्रत्यक्ष रूप से जो अध्यापक अध्यापन करता है, क्योंकि उसका बहुत उसका अपना एक तरीका होता है, ठीक है, उनके साथ टीचिंग जब करता है तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा, क्योंकि अध्यापक का जो एक लंबा अनुभव है और वो बच्चों के बीच में शेयर करता है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को मोटिवेट करने का कार्य भी करता है, कहीं ना कहीं वो बच्चों के अंदर एक हलचल पैदा करने का भी कार्य करता है, कहीं ना कहीं वो बच्चों के क्या है अंदर बहुत सारी क्वेरीज को भी वो डेवलप करने का कार्य करता है और वही क्वेरीज को वो शांत करने की कोशिश करता है, जिससे कि बच्चे की जो एक उसके अंदर जो रचनात्मकता है या उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है वो भी पैदा होती है, ठीक है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम कक्षा कक्ष में टीचिंग करते थे तो हम सारे बच्चों पर नजर रखते थे या उनकी निगरानी करते थे कि आखिर छात्र जो है किस तरीके की एक्टिविटी कक्षा कक्ष में करता था, और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि हम जानते हैं हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे कक्षा कक्ष में जो भी बच्चा बैठा है वो सब एक ही लेवल का बच्चा नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, डिफरेंट टाइप का बच्चा वहां पर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, ठीक है, किसी का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, किसी का एडजस्टमेंट का लेवल अच्छा नहीं है, तो हम कैसे कैसे उन बच्चों के साथ बैलेंस करते थे, कैसे उनको मोटिवेट करने का कार्य करते थे, ताकि जो कुछ भी मतलब उद्देश्य लेकर के हम कक्षा कक्ष में जा रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। और जो बच्चे की कमजोरी होती थी भले किसी भी वे में है, हम उन कमजोरियों के बच्चों को अवगत कराने का कार्य करते थे, और उसके पीछे हमारा मकसद यही होता था कि बच्चा किसी भी तरीके से अपने जीवन में सफलता को हासिल करे, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को सोचने के लिए विचार करने के लिए मजबूर हो, ठीक है। और ये जो कार्य होता था ये वास्तव में फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में ही संभव हो पाता था, लेकिन आज भी जो हमने डिफरेंट टाइप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो बच्चों के बीच में इसको रख रहे हैं, तो इसका मकसद भी मुझे ऐसा ही लगता है कि टीचिंग जो हम फेस टू फेस टीचिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से करके उसके पैरेलल बच्चों को कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन का कार्य कर रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चा इस पर अपना चिंतन मनन विचार कर सके। आज हम ऑनलाइन के माध्यम से मतलब हर किस्म से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और उनको कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा उसको प्रेजेंट कर सके कि बच्चा कितना उसको लर्निंग होती है, ताकि उसके पीछे भी एक ही हमारा काम है कि हम बच्चे को मोटिवेट कर सके या बच्चा जो है वो आगे की ओर को बढ़ सके, बच्चे अपने आप को पहचान सके, बच्चा अपने स्किल्स को जान सके कि वास्तव में उसको जो अंदर जो गॉड ने उसको एक चैंपियनशिप के अंदर दी हुई है उस चैंपियनशिप को वो कैसे उसका डेवलपमेंट कर पाएगा, और जब तक वो चैंपियनशिप को वो अकेले नहीं कर पाएगा उसको अध्यापक की आवश्यकता है। तो आज ये वही प्रयास है कि सभी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हैं या कन्वीनर है या ऑर्गेनाइजर हैं या कह सकते हैं प्रिंसिपल महोदय हमारे बीच में हैं,
इन सब का प्रयास यही है कि उस चैंपियनशिप को बाहर निकालना है ताकि वो समाज के बीच में जब भी आए तो समाज के बीच में उस चैंपियनशिप की विशेषताओं को लेकर के वहां पर आए और समाज के बीच में कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बना सके। या हम ये भी कह सकते हैं वहां पर कि समाज के भीतर जिन चीजों को लेकर आए तो वो उन सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि उसके स्किल फिर आगे को डेवलप हो सके और उसका जो भी गुण उसके अंदर है वो गुण कहीं ना कहीं फिल्टर्ड होके हमारे समाज के बीच में जाए और लोगों में उसका एक गहन उसका प्रभाव पड़े और लोग इन चीजों को सीखे जिससे समाज हमारा एक सिविलाइज हो सके। ये इसके पीछे उद्देश्य है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये भी जानते हैं कि जो हमारी जो सफलताएं होती हैं हम कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं तो हम उसको चेक करते हैं ठीक है और उसको चेक करने के साथ साथ हम उनकी असफलताओं को भी चेक करते हैं कि बच्चा कहाँ पर असफल हो रहा है क्योंकि जब तक हम असफलताओं की चेकिंग नहीं करेंगे तो हमको सफलता प्राप्त करने में थोड़ा सा वहां पर दुविधा सी रहती है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे फेस टू फेस जो टीचिंग होता था जो हमारे अध्यापक और बच्चों के बीच में जो संबंध होते थे वो यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑनलाइन मोड से हम कर पा रहे हैं और उनसे अपना एक संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर की जो नेचर है उसको बखूबी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये कितना सफल हो पाएगा कितना हम उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे कितना उनके लाइफ में उस मार्ग को मार्ग की ओर आगे बढ़ने में उनको मोटिवेट कर पाएंगे उस मार्ग की ओर वो आगे बढ़े ये जो हमारा उद्देश्य है उद्देश्य को हम कितना पूरा कर पाते हैं और उसके साथ साथ बच्चा बच्चे का जो मेन इम्पोर्टेंट बात है उसका वास्तविक जो मूल्यांकन है हम कितना कर पाते हैं ये इस संदर्भ में जो ये यहाँ पर मैम लोगों का जो प्रयास है वो वास्तव में क्या है कि बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारी फाउंडेशन होने के बाद भी आप लोगों का ये जो प्रयास है ये वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है ठीक है और आप लोगों का जो प्रयास है ये हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं जितने भी बीएड के प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर जुड़े हुए और बहुत मात्रा में जुड़े हुए 88 मेरे को आदर्श के रूप में यहाँ पर दिख रहे हैं तो इतने छात्र जब यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो प्रयास है ये इनके व्यक्तित्व का विकास करना है इनके व्यक्तित्व का विकास करके इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपका डेवलप करना है जिसके कारण क्या है कि ऑनलाइन होने के बावजूद भी इनका कॉन्फिडेंस का लेवल कम ना हो बल्कि कॉन्फिडेंस के जो लेवल है उसको अप करके ये एक समाज के बीच में अपना स्थान बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं बच्चों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं बच्चों को बीएड के प्रशिक्षणार्थियों को कि वो राइज करें और मैम लोगों का जो ये प्रयास है जो सर का आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है जो विद्वान लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और अलग अलग इम्पोर्टेंट इतने हमारे टॉपिक्स पर अपने विचारों को दे रहे हैं ये विचार तो इनके सामान्य नहीं है वो जितने भी अभी यहीं पर हम देख सकते हैं कि तलेश्वरा मैम यहाँ पर आई है और आप देख सकते हैं कि कितना लंबा आपका एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस रूपी बुक को पढ़ने में हमें बहुत समय लग सकता है लेकिन आप उसको क्या कर रही हैं कि गागर ने सागर भर के उन सारे विचारों को आप बच्चों के समक्ष रखने का प्रयास कर रही मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप यहाँ पर जुड़ी है इतनी सीनियर है और इसके अतिरिक्त भी हमारे जेके जोशी जी भी यहाँ पर जुड़े हैं सर उनका अपने फील्ड में बहुत ही गहरी पैठ है और उनके विचारों को सुन करके बहुत सारे मेरा सभी के साथ मैं सभी विद्वत लोगों को कहती हूँ मैंने नागेंद्र जी को भी सुना है पहली बार आपका भी क्या स्किल आपने आपका डेवलप्ड है और उन सारी चीजें और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सैद्धांतिक की अपेक्षा आप व्यावहारिक नॉलेज बहुत ज्यादा सर आप देते हैं इसके लिए आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ और सभी के लिए मैं पुनः सबका धन्यवाद अदा करते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि ये जो 10 दिवसीय व्याख्यान माला यहाँ पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्यों में कामयाब हों इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच मैम नमस्कार धन्यवाद मैडम आपने अपना अमूल्य समय हम सभी को दिया और अपने मीन्स प्रैक्टिकल जो बातें आपने यहाँ पर बीएड से संबंधित रखी इससे संबंधित एक सेशन कभी आपको और कराया जाएगा इस समय समय कम होने के कारण
अब मैं आगे कार्यक्रम को कंटिन्यूटी में रखते हुए, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लास कब स्टार्ट होगी, तो मैं डॉक्टर टीसी पांडे सर को जस्ट फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि बहुत कम शब्दों में सर अपना वोट ऑफ थैंक्स यहाँ पर दे दें सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स को। डॉक्टर टीसी पांडे सर, धन्यवाद आदरणीय मैडम डॉक्टर चंद्रावती जोशी जी। हमारे महाविद्यालय अंडी राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज ये उद्घाटन सत्र यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर हमारे यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के अग्रणी पदाधिकारी प्रोफेसर प्रीति पाठक साहब, मैं पूरे विभाग की तरफ से महाविद्यालय की तरफ से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि आप समय समय पर हमारे महाविद्यालय को और हमारे विभाग को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बी आर पंत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, बीएड विभाग की तरफ से, आयोजकों की तरफ से और समस्त विद्यार्थियों की तरफ से कि आपने इस उद्घाटन सत्र में अपना समय प्रदान किया है। सर, आपके निर्देशन में ही महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आप भूगोल के बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योग्राफी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपके निर्देशन में अभी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS नाम से कोर्स विभाग में नया प्रारंभ होने जा रहा है। IQAC और NAC को भी आपने सफलतापूर्वक संपादित किया है। आपने कहा है कि जो भी हम कार्य करें वो समाज और राष्ट्र के हित में हो और हमारे विद्यार्थियों तक ये बातें पहुंचे। हमारी कोशिश रहेगी कि BEd विभाग आपकी अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे विद्यार्थियों और हमें अपने आशीर्वचन प्रदान किए। मैं इस अवसर पर आदरणीय मैडम प्रोफेसर जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैडम, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है, आपने हमें पढ़ाया है। आज आप हमारे प्रति एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ दिस लेक्चर सीरीज के डायरेक्टर के रूप में उपस्थित हुई हैं और लंबे समय बाद मेरी मैडम से आज मुलाकात हुई। मैं आपका प्रणाम करता हूँ। आपने ऑनलाइन ऑफलाइन COVID-19 की परिस्थितियां, टीचिंग जो हमारी बीएड ट्रेनिंग चलती है उसके कई महत्वपूर्ण पक्ष पर प्रकाश डाला है। आपने एग्जाम से लेकर सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है। अभी हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैडम है आदरणीय मैडम डॉक्टर चंद्रवती जोशी जी, उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कह रहे कि क्लास प्रारंभ करें। मैं अपने विद्यार्थियों से कहूंगा कि मैडम ने जो व्याख्यान दिया है बच्चों, ये हमारे कोर्स की चीजें ही हैं और हमें इसको सुनना समझना चाहिए। ये भी एक तरह की क्लास ही है, आगे आपके ये बातें भी काम आने वाली हैं। मैडम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आज आप हमारे महाविद्यालय के कार्य के लिए हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं पूरे विभाग की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से एक बार पुनः आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर चूंकि हमारी मैडम डॉक्टर चंद्रावती मैडम अनिता जोशी जी लंबे अवकाश पर हैं, वो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, इस विभाग प्रभारी के नाते भी मैं आप सभी लोगों के प्रति एक बार पुनः आभार ज्ञापन करता हूँ। मैं कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर चंद्रावती जोशी जी के प्रति भी आभारी हूँ कि वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम विभाग में बच्चों के लिए अध्यापकों के लिए करती रही हैं। इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं। ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर जी बधाई की पात्र हैं, डॉक्टर तनुजा मिर्कानी जी, डॉक्टर रेणु रावत जी जो हमारे अन्य अध्यापक हैं, इनके साथ डॉक्टर अता गोयल जी जो BEd फाइनेंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके बच्चे भी सम्मिलित हैं, उनका स्टाफ भी सम्मिलित है। आपके प्रति भी आभार, लगातार 10 दिनों तक आप लोगों का सहयोग रहेगा इसकी अपेक्षा। मैं अपने विद्यार्थियों जो सेल्फ फाइनेंस के हैं और गवर्नमेंट के हमारे विद्यार्थी हैं, आप सभी के भी इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि आप लगातार इस व्याख्यान सीरीज में बने रहेंगे, जिससे आप नए नए विषयों को नए नए तरीके से सीख सकेंगे, सुन सकेंगे। ऐसा ये कार्यक्रम है, ऐसा ही इसका उद्देश्य भी है। एक बार ना आप सभी लोगों का BEd विभाग की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, धन्यवाद सर। आप सभी इस आप सभी ने रिसोर्स पर्सन का आपने धन्यवाद ज्ञापित किया। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे रिसोर्स पर्सन जो जुड़े हुए हमसे डॉक्टर नागेंद्र गंगोला जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए डॉक्टर सविता भंडारी मैडम को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि इनका इनके बारे में जानना हमारे लिए इसकी आवश्यक है क्योंकि जितने भी सेशन हमने आज तक इनके अटेंड किए हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सर का पढ़ाने का एक तरीका रहा है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में मैम से कहूंगी कि वो सर का इंट्रोडक्शन देने की कृपा करें। सविता भंडारी मैडम Now, thank you. Good morning, all of you. Now, I am going to introduce our today's resource person, Dr. Nagendra Gangola ji. जैसा कि मैं आपको आगे बताती हूँ, ये बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी है। और एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश इन यूओयू, टीचर एजुकेटर एट अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड लेक्चरर इन नवोदय विद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर एट आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी। 20 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है टोटल, लगभग 20 रिसर्च पेपर्स इनके पब्लिश हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने इनकी इंग्लिश पोएट्री पब्लिश हुई है इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल में। साथ ही ट्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूजीसी इन वेरियस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेटर। इनका जो टॉपिक है आज का वो है कम्युनिकेटिव स्किल पर ये काम आपको बताएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये अपने प्रेजेंट करते हैं अपने मैटर को या अपने रेचर को जिसके जिसका एक्सपीरियंस हमें है। थैंक यू। ओवर टू यू सर। यस सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। आई वुड लाइक टू कन्वे माय हार्टेस्ट थैंक्स टू एवरीवन एंड लर्नेड प्रोफेसर एंड ऑनरेबल प्रिंसिपल सर ऑफ एमबीपीजी कॉलेज एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर। तो आज का जो सेशन है वो मैं बाइलिंगुअल रखूंगा जिससे कि सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो मैं बिल्कुल भी किसी आई वुड रादर नॉट गो ऑन स्टैंडिंग ऑन एनी सेरेमनीज, सो आई वुड स्ट्रेट स्टार्ट माय टॉपिक। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं और मैं कोई पीपीटी से इसको प्रेजेंट करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के जरिए आपको मैं जो इम्पोर्टेंट चीज होंगी वो प्रेजेंट करूंगा और साथ में चीजों को बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन बीइंग दो चीजों में, दो मायनों में बहुत डिफरेंट है और इसीलिए ह्यूमन बीइंग एक यूनिक क्रिएचर माना जाता है। जो सबसे पहले उसकी एबिलिटी है कि एबिलिटी टू कन्वर्स एंड एबिलिटी ऑफ जस्ट इन्वेंटिंग द लैंग्वेज, जो भाषा का आविष्कार है, और दूसरा जो रीजनिंग की एबिलिटी में है ह्यूमन बीइंग को, वो एक जो है बिल्कुल अलग एक सोपान में खड़ा कर देती है हमें जो है बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरफ। तो हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जिसके जरिए हम दुनिया की कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन से लेके और कैसी भी आसान सिचुएशन में जो है अपने आप को बहुत प्रभावी तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, लेकिन किताबी बातें बिल्कुल नहीं होंगी, प्रैक्टिकल बातें होंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं। मैंने भी बीएड किया है और सन 2008 में मेरा बीएड हुआ था और एमबीपीजी से ही मैंने किया था। तो जो बीएड में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि लेक्चर सीरीज में पहला कम्युनिकेशन स्किल रखना भी एक अपने आप में एक अच्छा जो है स्टेप है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल टीचर को एक महान टीचर बनाने में बहुत मदद करता है। तो चलते हैं, मैंने जितने एक्सपेरिमेंट फील्ड वर्क में किए हैं मैं उन चीजों को लेके आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस रखने जा रहा हूँ।
कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज को आज उठा पाऊंगा और वो चीज जो है मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में मैंने 3.5 साल जब स्कूल में जो है बेसिक रूट लेवल पे काम किया और सारे स्कूल्स के अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग में काम किया, तो बहुत सारी चीजें हमने नोटिस की, तो उन्हीं चीजों को आपको प्रैक्टिकली मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है? Yes, sir. Are you able to see the white board? Yes, sir. सभी लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me choose the color. Yes. तो आज हम जो बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो उसमें मैं पहले जस्ट आपके केवल कुछ सेकंड्स इंट्रोडक्शन करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली मैं जरा पेन चूज कर लूंगा एक मिनट। ठीक है, आपको नजर आ रहा दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं हो रहा नो सर, आपकी शक्ल ही दिख रही थी। ओके ओके, एक बार फिर से शेयर करता हूं। अब आप बताइएगा फिर से, मैं एक बार शेयर कर रहा हूं। ओके सर, इन चीजों को थोड़ा रहता है ऑनलाइन में, जरा एक बार कनेक्ट होने में। अब बताइएगा कोई बोर्ड दिखा? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें कोई शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है क्या कहीं पर, जो टेक्निकल टीम में बताएं? तो नीचे होता है, नीचे है शेयर स्क्रीन प्रेजेंट नाउ में। ओके, तो सर जो नीचे थ्री वो होते हैं ना, फिर उसमें शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होता है। आई गॉट इट। ओके सर, थैंक यू सर। क्या अब आप कोई व्हाइट बोर्ड देख पा रहे? सर किसे दिख रहा है? ये सर मेरे को नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? ये शायद बैक में दिख रहा होगा, ये फोन में नहीं दिख रहा होगा। जैसे आपकी स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है सैमसंग की स्क्रीन दिख रही है। सर की ही स्क्रीन दिख रही है। अच्छा सर, जो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पहली बार होता नहीं था, एक पहली बार ये ट्रबल हो रहा है। अगर नहीं दिखा तो फिर हम सीधे बात करेंगे शुरू, एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ। सर यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं। सर विजिबल है? सर विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो आई होप आप सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो हम आज जो बात कर रहे हैं बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है सर? जी लैपटॉप पे शो कर रहा है, मोबाइल पे शो नहीं कर रहा है। ओके, ये मोबाइल शैलेश सर इज ड्राइंग फ्रॉम अनदर डिवाइस, तो आप कॉन्टैक्ट्स में जाके देख सकते हैं, उनकी दो डिवाइस है तो आप पिन कर सकते हो। शैलेश
ओके बाकी सब लोगों को दिख रहा है ना? कम्युनिकेशन स्किल्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि एक बहुत छोटी सी प्रोसेस है जो आपने सबने पढ़ी है कि एक जो है यहाँ से एक सेंडर सिग्नल भेजता है और सेंडर आपके पास एक मैसेज को कन्वे करता है और मैसेज कन्वे होता है एक मीडियम के थ्रू और मीडियम के थ्रू जब ये आप तक पहुंचता है तो आप रिसीवर एंड में होते हैं, आप रिसीव करते हैं मैसेज को और रिसीव करने के बाद आप उसको समझते हैं और लास्ट प्रोसेस होती है कि जब हम उसके बारे में आपसे कुछ बातें करते हैं तो फीडबैक लेते हैं, अगर आप उसको सही बताते हैं तो इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। जो एक छोटी सी ये टेक्निकल परिभाषा है, क्या इसके कुछ प्रैक्टिकल कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम दो बेसिक बातों पे और बात कर लें बहुत शॉर्ट में। आप सब लोग अपने माइक अगर ऑफ कर दें तो इस समय जब क्वेश्चन होगा तो मैं आपको पूछने के लिए कुछ मिनट दूंगा, तो आप लोग अपने माइक जो है म्यूट कर दें, ठीक है। तो जो बेसिक बात है इसमें, एक वर्बल कम्युनिकेशन आपने सुना होगा और एक नॉन वर्बल सुना होगा, और वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ वह कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, पर्टेनिंग टू वर्ड्स, जिसमें हम कहते हैं कि वर्ड्स हमारे यूज हो रहे हैं, पर्टेनिंग टू वर्ड्स। और नॉन वर्बल हम कहते हैं बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि नॉन वर्बल में एक आता है आपका पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज, तीसरा होता है कलर लैंग्वेज, चौथा होता है आपका स्पेस लैंग्वेज। तो ये सारे कुछ ऐसे कम्युनिकेशन हैं जो नॉन वर्बल में आते हैं, और भी कुछ कम्युनिकेशन हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होगा जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, वर्बल चीजें नहीं है। तो आपके पास साइन होंगे जिसको आप यूज करेंगे, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, बोर्ड में अगर एरो लगा हुआ है तो आप राइट को मुड़ जाते हैं, कभी भी आपसे कोई बोर्ड से कोई आगे कहता नहीं है आपके पास कि जस्ट टर्न टुवर्ड्स राइट, लेकिन आप उससे समझ जाते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है जो आप सभी को आती है, इसमें हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। तो आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं वो ये करेंगे कि हम पूरा जो फोकस रखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है उस पर रखेंगे, और वो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होता है आप जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसपे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, और एक टीचर के लिए इसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इसको पूरी तरीके से आत्मसात करे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बहुत सारी चीजों को टीचर के लाएंगे, जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज तो काम करती है, लेकिन उस सेशन को यहाँ पर लेना बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफी होगी, क्योंकि उसमें बॉडी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल सेशन है, सामने किया जाता है। तो आज आपके लिए जो बेस्ट चीज है वो लेके आऊंगा मैं, पैरा लैंग्वेज, और इस पे हम बात करेंगे और इसी पे बात हो पाएगी पूरी। तो एक ही एस्पेक्ट को आप आज खंगालने की कोशिश करते हैं। बस एक चीज ये जान लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज में आपकी दो चीजें क्लास में बहुत मायने रखती है, एक है पोस्चर, और इससे बच्चों का भी जो है हम बहुत ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, एक है जेस्चर। पोस्चर होता है जब आप एक स्टेबल कंडीशन में होते हैं और बैठे हुए होते हैं या खड़े, जैसे भी काम करें, अगर वो स्थिर अवस्था है तो कुछ लोग तरह तरीके के जो है इस तरीके से बैठने के लोगों के तरीके होते हैं, या फिर क्लास में सुनने के या आपके बोलने के, तो ये पोस्चर में आता है। लेकिन अगर हम इस में मूवमेंट को भी शामिल कर लें, जैसे हम कहें कि हाथ हिलाने के तरीके, ठीक है, आंखों का रोटेशन और गर्दन का रोटेशन, चलने का तरीका, और आपका बोलने के साथ जो मूवमेंट है बॉडी पार्ट्स का, वो जेस्चर्स में आता है। तो पोस्चर और जेस्चर दो अलग अलग चीजें हैं, ये बॉडी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंटली काम करती हैं। तो कभी अगर आपके साथ प्रैक्टिकली सामने फेस टू फेस या रूबरू होने का मौका हुआ तो हम बॉडी लैंग्वेज पे एक बहुत अच्छा सेशन ले सकते हैं, जिसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं।
अब हम जो आज सेशन लेने जा रहे हैं वो पैरा लैंग्वेज पे है और इस पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि मैं टोटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूंगा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम शब्दों के इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कुछ और चीजों से चीजें कम्युनिकेट होती है। शब्दों का इस्तेमाल जो होता है वो एक तो लिटरल तरीके से होता है कि जो शब्द मैंने बोला उसका वही मीनिंग जो होता है वो आप समझें, वो लिटरल तरीका है। और अब जो एक तरीका होता है जो उसका सिंबॉलिकल तरीका होता है कुछ और उसका मतलब निकले, ठीक वैसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे आप शब्दों को बोल रहे हैं उसके भी कई तरीके होते हैं और वही आज हम पैरा लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि पैरा लैंग्वेज जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या आप ध्यान रखें इस चीज को सीखते वक्त कि किसी भी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के पीछे 70% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है और 30% कम्युनिकेशन होता है। यानी कि आप वर्बल शब्दों से जो बोलते हैं वो 30% मायने रखता है और 70% आपका मायने रखता है कि आप उसको पेश कैसे करते हैं, आप उसको लोगों के सामने रखते कैसे। तो इसी चीज पे आज हम बात करने वाले हैं। उस चीज में सबसे पहली चीज है पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज में आता हूं और इस पैरा लैंग्वेज को पहले मैं इसकी मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी अभी मैंने कहा कि आपने कोई शब्द बोला, वर्ड्स बोले या वर्ड बोला और इस वर्ड का एक मीनिंग है जो लोगों ने तुरंत समझ लिया जो मीनिंग इसका होता है, लेकिन इसके पीछे एक और छिपी मीनिंग होती है, हिडन मीनिंग, जो मीनिंग आपके रियल मीनिंग को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। और ये हिडन मीनिंग जो आती है वो हमारे नॉन वर्बल चीजों से आती है और नॉन वर्बल चीजें यानी जो आपके वर्ड्स पे तो एक्सप्रेस नहीं होती लेकिन वो आपके शब्दों में असर डालती है। जैसे यहाँ पर नॉन वर्बल जो है वो है आपका हाउ डू यू से, आप किसी शब्द को कैसे कहते हैं ये उस मीनिंग के लिए पूरा उत्तरदायी होगा, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी कि हाउ डू यू से दैट थिंग। आपका शब्द चाहे कोई भी मीनिंग देता हो लेकिन उसका मीनिंग अल्टीमेट वो निकलेगा जो आपके कहने के तरीके में शामिल होगा। तो इसमें पे जो पैरा लैंग्वेज है उसका मतलब होता है हाउ डू यू से, हाउ डू यू एक्सप्रेस। तो अगर किसी शब्द को आपने बच्चों के सामने या फिर लर्नर्स के सामने या फिर किसी मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्रेस करना है सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू से कि आप उसको कितना सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं जिसके बाद ये थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होगा आपके सामने। चलिए हम बात करते हैं कि जो अच्छे ओरेटर होते हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैरा लैंग्वेज के साथ खेल खेलते हैं। वो आप लोगों को ठीक एक चैनल की तरह कंट्रोल करते हैं और उनके पास जो चाबी होती है या रिमोट होता है वो होता है पैरा लैंग्वेज। तो जैसा वो असर आपके माइंड्स पे डालना चाहते हैं, आपके दिलों पे छाना चाहते हैं, जैसे वो वैसे ही छाते हैं और वो सिर्फ पैरा लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो पैरा लैंग्वेज में मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको क्लियर करता हूं। मैं अपने पास रिमोट रखता हूं और आप सबको ये कहता हूं कि आप सब लोग पूरी तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें इस पर और ये सोचें कि जो सर बोलेंगे हम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। लेकिन मैं भी ये बोलता हूं कि जो मैं बोलूंगा अभी उसमें मैं तीन पैरा लैंग्वेजेस को चेंज करूंगा और जैसा मैं प्रभाव डालना चाहूंगा वैसा ही आपके दिमाग में पड़ने वाला है, ठीक है। शब्द सेम होंगे, लाइन सेम होगी, लेकिन मैं पैरा लैंग्वेज को चेंज करके आपको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे दिखा रहा हूं कि हाउ डज पैरा लैंग्वेज वर्क स्मार्टली व्हेन यू ट्राई टू जस्ट मेक योरसेल्फ ए गुड कम्युनिकेटर। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर जब बनाने की कोशिश करें तो पैरा लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग तैयार रहिए, मैं आपके पास तीन शब्द तीन लाइन बोलने वाला हूँ, सिर्फ एक उर्दू शायरी है, शायरी की एक पहली लाइन बोलूंगा और इस बार मैं यूज करूंगा पैरा लैंग्वेज नंबर वन। तो लेट्स स्टार्ट। कोई एक मुझसे बीच में कम्युनिकेट कर सकता है जब मैं कुछ बोलता हूँ, तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं शुरू करूं तो? कोई एक आंसर, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज का मैं पहला लाइन बोल रहा हूं, मैं शब्द बिल्कुल नहीं बदलूंगा, यानी कि मेरी लिटरल मीनिंग सेम रहेगी लेकिन मैं पैरा लैंग्वेज को चेंज करने वाला हूं। तो शायरी है, उस शायरी को आपके सामने रखता हूं, पहली लाइन को आप गौर से सुनिएगा। अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद, रिपीट कर रहा हूं, अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद। ये थी पैरा लैंग्वेज नंबर वन।
अब मैं पैरा लैंग्वेज नंबर टू यूज करूंगा। अरे अब क्या गजल लिखू तुझे देखने के बाद, और अब पैरा लैंग्वेज नंबर थ्री, अब क्या गजल लिखू तुझे देखने के बाद। तो ये तीन पैरा लैंग्वेज मैंने यूज किए हैं। क्या मेरी लाइन चेंज हुई है बीच में? मैंने लाइन चेंज की थी क्या? नहीं। लेकिन अब मैं अब मैं इसको एक्सप्रेशन का तरीका बताता हूँ। जब मैंने पहला लैंग्वेज यूज किया तो मैं चाहता था कि मेरे ऑडियंस के माइंड में इमोशनल वॉर्म्थ और एक इमोशन जो है जागृत हो। तो मैंने उसको उस तरीके से पैरा लैंग्वेज वन में कहा और मैंने बोला अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वॉर्म्थ को लेके आ रहा है, इमोशनल वॉर्म्थ को। जैसे ही मैंने दूसरा एक्सप्रेशन दिया है, अरे अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद, सो ये मैं चाहता था कि मेरे ऑडियंस में गुस्सा हो। तो ये ऐसा है कि गुस्से का एक्सप्रेशन है कि मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया तो गजल क्या लिखनी है, ठीक है। और तीसरा एक्सप्रेशन था अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद, यानी कि ये एहसान कम है कि अब तो मैं देख लिया और गजल भी लिखनी पड़ेगी। तो ये तीन तरीके के एक्सप्रेशन है जो आपके सामने आ रहे थे। क्या मैं आपको क्लियर कर पाया कि पैरा लैंग्वेज क्या है? इसमें जो एक्सप्रेशन है उसका इतना बड़ा रोल है कि हाउ डू यू से इज टोटली इज दैट थिंग विच कैन टोटली चेंज द मीनिंग विच यू आर अटरिंग बिफोर द ऑडियंस। जो आप ऑडियंस के सामने बोलने वाले हैं वो अगर आपने तरीका बदल दिया तो समझ लीजिए कि आपके उसका एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो जाएगा, चाहे शब्द आप वही यूज कर रहे हो। इसी का एक ये कारण होता है कि आप जो है कुछ भी कभी इंटरव्यू में बोलते हैं और वो आपकी आदत होती है, या कहीं पर आपकी आदत है धीमे से बोलना और आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं लेकिन वो धीमे से बोलना इंटरव्यूअर को पैरा लैंग्वेज में कुछ और कम्युनिकेट कर दे रहा है कि ही इज नर्वस, वो नर्वस है। जबकि आप बोल सही रहे लेकिन कम्युनिकेशन आपके शब्दों के पीछे का जो एक्सप्रेशन है वो ये कह रहा है कि यू आर नर्वस, जबकि आप नर्वस नहीं हो। तो पैरा लैंग्वेज इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको हम सधे तरीके से अपने जो एम है उसके लिए कैसे यूज करें। अगर ये सधा तरीका हमें आ जाए तो हम क्लास के अंदर एक गजब का टीचर बन सकते हैं बच्चों के सामने, क्योंकि हम सधे तरीके से उनके सामने बात रखेंगे जिसे बच्चा सुनना चाहता है, जिस तरीके से सुनना चाहता है। तो इसका देखिए पैरा लैंग्वेज हमें हमारी बहुत खराब होती है और हम कभी उसको एजुकेशन सिस्टम में सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी ओर इशारा नहीं होता। जैसे कई बार आप फोन जैसे ही ऑन करते हैं तो दूर से एक आवाज आती है, ऑन करते हैं हाँ हेलो, वो इतनी जोर से बोल रहा होता है हेलो कि आपको कान से दूर रखना पड़ता है फोन, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो जनरली तेज बोलता है। ठीक वैसे ही कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वो जनरली इतना धीमे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एनर्जी लेस है या नॉन डायनामिक पर्सनैलिटी। कुछ लोगों को यह नहीं पता होता कि उनकी पैरा लैंग्वेज ऐसे एक्सप्रेस कर दिया चीजों को जैसे कि वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है उनके अंदर, कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल। तो जब हम इन सब चीजों को जानेंगे तभी हम अपनी पैरा लैंग्वेज इंप्रूव कर पाएंगे। अब इन सब चीजों को जानने के तरीके मैं बाद में आऊंगा, पहले पैरा लैंग्वेज के कुछ और तरीकों पे जाते हैं कि इसका ऑपरेशन करते हैं, किसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं इससे आगे। अब आते हैं हम कुछ और तरीकों में पैरा लैंग्वेज के। तो पैरा लैंग्वेज को हमारे जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पैरा लैंग्वेज का क्लास में प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है, क्लास के अंदर प्रैक्टिकल इस्तेमाल। पहले इसके पूरे आप बेनिफिट जानिए, इसको तरीके ढूंढिए प्रैक्टिकल यूज, और फिर जाके हम इस पे बात करेंगे कि इसको हम डेवलप कैसे करते हैं और इसके अंदर वर्क कैसे किया जाता है। तो देखिए क्लास में एक ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करते हैं पहले, जो परंपरागत क्लासरूम है जो आजकल के बच्चों के साथ बहुत ही असंभव दिखने लगे हैं कई मायनों में, क्योंकि बच्चा इंफॉर्मेशन एरा की दुनिया में जी रहा है और उसके दिमाग में कंप्यूटर और मीडिया के थ्रू इतनी इंफॉर्मेशन का इम्पोर है, इतना ज्यादा अंदर इंफॉर्मेशन है कि उसका माइंड चाहते हुए भी फिकल रहता है
और ना चाहते हो भी वो फिकल माइंडेड रहता, कई जगह घूमता रहता, इंटर रिलेशन होता रहता चीजों का, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम नए स्कीमाज ऐड करते रहते हैं बीएड में, आपने पढ़ा होगा, तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस उससे और उसके हिसाब से हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है और कई चीजों को इंटरकनेक्ट करने लगता है। तो एक ऐसा बच्चा जिसके पास इतनी इंफॉर्मेशन का भंडार है, वो क्लास में जनरली बहुत चीजों को उससे कनेक्ट करने लगता है और फिकल माइंडेड रहता है। तो हमें कुछ इनोवेटिव तरीके क्लास में लाने होंगे। अब मैं कुछ एक आध तरीके क्लासरूम के आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली सारे तो नहीं कर सकता यहाँ पे, जो आपको यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं वो दिखा सकता हूँ, और जब फेस टू फेस हो तो बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है। तो एक सिचुएशन मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि क्लासरूम का सीन है, और क्लासरूम में जो है जनरली यहाँ पर जो है बच्चे आपके सारे बैठे हुए हैं, और इस क्लासरूम में यहाँ पर जो है आपके टीचर है, और ये बेसिकली क्लास का एक सीन होता है जनरली, और यहाँ पर आपके सामने बच्चे हैं। जनरली क्लास का एक बहुत कॉमन चीज है कि जब टीचर पढ़ाता है तो कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं। मान लिया ये दो बच्चे आपस में पीछे बात कर रहे हैं, और टीचर बार बार जब सामने देख रहा पढ़ाते हुए, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है इन दो बच्चों की वजह से, या ये दो बच्चे इधर भी हो सकते हैं, या ये दो बच्चे इधर भी हो सकते हैं। तो मैं आपको पैरा लैंग्वेज का जो है एक तरीका बता रहा हूँ, और क्लास में चल रही है एक बढ़िया पोयम वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी क्लास 9th वगैरह में, ठीक है। अब मैं पैरा लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आप, एक सिचुएशन ये होती है कि जब बच्चे बात करते हैं तो कई टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब वो बहुत बार बात रोकने की कोशिश करते हैं, जब नहीं मानते, या फिर तो टीचर टोकने की बजाय किताब को रखता है साइड में टेबल पे, और उन्हें कुछ जो है बातें समझाने लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोग बड़े हो गए हो, आपके फादर मदर ने किस लिए भेजा है, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उनके खून पसीने की कमाई को समझते नहीं है, और इस तरीके से एक लेक्चर शुरू होता है, और वो मॉरल लेक्चर जो है शुरू होते होते कम से कम 30-40 मिनट में चला जाता है, और फिर अचानक जब आप किताब उठाते हैं तब तक जो है टाइम निकल चुका होता है, और बच्चे भी कई जो है इसमें खुश हो जाते हैं कि भाई क्लास का जो है टाइम निकल गया। तो ये एक सिचुएशन इसको टैकल करने की ये हो सकती है कि आप बातचीत को बीच में रोकें और उसके बाद थोड़ा मॉरल लेक्चर दें। अब दूसरी सिचुएशन पैरा लैंग्वेज से टैकल हो सकती है विद इन सेकेंड्स। तो उस पैरा लैंग्वेज से सिचुएशन कैसे टैकल हो सकती है देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि एक टीचर है और यहाँ पढ़ा रहे सॉलिटरी रीपर, सो लेट्स जस्ट सी दैट हाउ टीचर इज टीचिंग। सपोज टीचर ये कह रहा है, सो इन दिस पोयम आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिटरी रीपर व्हिच इज अ पोयम रिटन बाय द प्रीस्ट ऑफ द नेचर हु इज कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड वंस ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द हाई माउंटेन ऑफ स्कॉटलैंड एंड ही हैपेंस टू सी और कम अक्रॉस अ टीनएजर गर्ल हु वाज कटिंग रीपिंग एंड बाइंडिंग एंड सिंगिंग समथिंग। She was singing so sweetly that he was mesmerized and he thought to stay there. मान लो ये चीज आप पढ़ा रहे थे और आप बार बार देख रहे थे कि आपने ये दोनों आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अब आप इसी चीज को मेरे को पढ़ाते हुए फिर से सुनिए और देखिएगा, मैं इसको स्टेप वाइज सिखाऊंगा। So you started the lecture in this beautiful poem Solitary Reaper, which is written by Wordsworth, who is the priest of nature. He is talk about Scotland's mountains. अब आपकी नजर पड़ गई है कि वो बातें कर रहे हैं, पर आपने इग्नोर किया और आगे बढ़ रहे हैं। He talks about the Scotland mountain and he was once moving upwards and he happened to come across a teenager girl. फिर से आपने देखा कि वो बातें कर रहे हैं। अब आप जो पढ़ाने में फ्लो है उसमें आप पैरा लैंग्वेज का गेम खेलने जा रहे हैं। He happened to come across